रोदयांडो उस दिन स्पर्श रेखा की प्रमाणता हम लोग पढ़े थे पहले m बराबर tan थीटा, तो ये वाला तो यहाँ प्रयोग होने वाला है नहीं कि हम लोग 10 वाली सरल रेखा पढ़ रहे हैं इसको प्रयोग कर लेंगे, ये यहाँ पे नहीं प्रयोग हुआ, ये सीधी सी बात समझ रहे ना, बस एक ही जगह इसका प्रयोग होगा, कहाँ पे होगा अभी देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा, अगर किसी वक्र का हमको निकालना हो तो हम क्या करते हैं dy/dx, और अगर उसको किसी दिए गए बिंदु पर निकालना हो तो नीचे लिख देते हैं x1 y1, अर्थात जो dy/dx आया होता है उसमें x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो x1 है भुज होता है और जो y1 है वो क्या होता है कोटि होता है, तो माने हमको रखना भुज और कोट ही है, क्या रखना है भुज और कोट, तो हम यही रख देते हैं। जैसे तो देखो यहाँ पे बिंदु था, बिंदु की भुज और कोटि होती है, भुज रख देते हैं यहाँ के स्थान पे और कोटि रख देते हैं किसके स्थान पे y के स्थान पे, हो जाएगा तो हमें दिए गए बिंदु पर प्रवणता m मिल जाती है। अब इस हिसाब से हमने निकाला कि कोई भी स्पर्श रेखा कब x अक्ष के समांतर होगी और कब y अक्ष के समांतर होगी। जब x अक्ष के समांतर होगी तो जो dy/dx है वो शून्य होगा, और जब y अक्ष के समांतर होगी तो dx/dy है वो शून्य होगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, अगर तुमको y अक्ष के समांतर दिखाना भी हुआ तो dx/dy अर्थात y के सापेक्ष अवकलन मत करने लगना, अवकलन तुम अपना x के सापेक्ष ही करो जो साधारण अवकलन करते जाते हो, ठीक है, तो उससे तुमको क्या मिलेगा dy/dx की वैल्यू मिलेगी, उसको क्या कर देना उल्टा कर देना तो क्या मिल जाएगा dx/dy मिल जाएगा, हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान में रखे रहना। तो यहाँ से हमारा इतनी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, पहले इससे हम लोग एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तब इससे स्पर्श रेखा निकालने पे चलते हैं। तो पहला सवाल लिखो, पहला सवाल वक्र वक्र 6y बराबर 6y बराबर वक्र 6y बराबर हो गया 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर वक्र 6y बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर हो गया, की बिंदु 1.1 पर 1.1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, हो गया। तो अब देखो बिंदु 1.1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, तो काम तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो वक्र दिया है उससे पहले dy/dx निकाल दो, तो तुरंत इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन, तो 6 को बाहर करेंगे dy/dx किसका y का, और इधर 9 तो अचर पद है इसका करेंगे शून्य ही हो जाएगा, माइनस 3 इधर, और उसके बाद dy/dx किसका x स्क्वायर 6 गुणा dy/dx हो गया ना बराबर इसका अवकलन 0, माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर में घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, तो
सोचने वाली बात है, इधर केवल डी बाई डी एक्स को रोका जाए और इधर हो गया माइनस तीन दुना छह एक्स और बटे क्या हो जाएगा, छह से छह कट गया तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस एक्स, इतना आ गया ना। अब चूंकि हमें किस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करनी है, क्योंकि एक कॉमा एक पर प्रवणता ज्ञात करनी है, तो जब बिंदु देता है तो पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो इसलिए x बराबर एक व y बराबर एक कहाँ रखने पर जी, कहाँ रखते हैं, डी वाई डी एक्स में रखते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है उस बिंदु को कहाँ रखना है, डी वाई डी एक्स में रखना है, इसमें नहीं रखना है, डी वाई डी एक्स में रखना है, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए ये डी वाई डी एक्स तो यही रहेगा बराबर माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे, एक, कहीं वाई है नहीं है तो वाई की वैल्यू एक नहीं रखेंगे, याद रखते रहना, हो गया खत्म काम। तो इसलिए डी वाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस एक, इसलिए एक कॉमा एक पर स्पर्श रेखा की क्या प्रवणता बराबर माइनस एक, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर सकते हो, इस तरह से काम करना है, अवकलन करना है उसके बाद मान रख देना है। अब एक और एग्जाम्पल लिखो नीचे, वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax, वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax, वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax, ये बिंदु 4ax, ये फॉर वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु a कॉमा 2a, a कॉमा 2a पर खींची गई स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा हो गया का यक्ष अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए, यक्ष अक्ष से झुकाव ज्ञात कीजिए, हो गया। तो झुकाव माने कोण ज्ञात करना है, यहां पे कितना झुका हुआ ये कोण ही तो बताएगा, 30 अंश पे झुका हुआ है, 60 अंश पे झुका हुआ है, यही बताना है हमको, इसका मतलब कोण थीटा निकालना है। तो कोण थीटा का वक्र से संबंध हमको यही मिला था, टेन थीटा बराबर डी वाई डी एक्स मिला था ना, पहले डी वाई डी एक्स तो निकालना होगा, तो पहले डी वाई डी एक्स निकालोगे क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax, x के सापेक्ष अवकलन, ध्यान दो इधर, तो डी डी एक्स ऑफ किसका बराबर, इसमें चार ए अचर पद है, डी डी एक्स ऑफ किसका, इसमें देखो घात आगे आएगी, घात में से एक घट जाएगा, परंतु डी वाई डी एक्स लिख दिया जाएगा क्योंकि तुम x के सापेक्ष y का अवकलन कर रहे हो जाएगा ना, तो डी वाई डी एक्स लिखना आवश्यक है। इसी प्रकार इधर चार ए बाहर x का अवकलन है, कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष x का ही कर रहे हैं, हो गया ना। अब क्या करना है, यहां से हमको मिला 2y dy dx,
बराबर 4a, तो डी बाई डी एक्स बराबर 4a बटे वाई, दो वाई है, दो वाई, तो दो दूनी 4, फाइनली आ गया डी बाई डी एक्स बराबर 2a अपॉन वाई, हो गया ना। अब देखो इसमें करना क्या है, बिंदु रखना है क्योंकि एक दिए गए बिंदु पर प्रवणता निकालनी है। किस बिंदु पर निकालनी है जी? a कॉमा 2a पर प्रवणता, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। तो क्या हो जाएगा जी, x बराबर a व y बराबर 2a रखने पर, हो गया, तो dy dx बराबर 2a पहले से ही है और इस y की जगह क्या रख देना है 2a, x तो है नहीं, 2a से 2a कट गया, तो dy dx बराबर 1 आ गया। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, जैसे मान ले, माना x अक्ष से झुकाव बराबर क्या, क्या कोण मानते हैं, थीटा, झुकाव कोण कहो चाहे झुकाव कहो चाहे x अक्ष की धन दिशा से बना कोण कहो, तीनों की बात एक ही होती, समझ गए। तो क्या हुआ, x अक्ष से झुकाव थीटा मान लिए, तो इसलिए tan थीटा बराबर हम लोग क्या सूत्र जानते हैं, dy dx किस बिंदु पर, एक्स वन वाई वन पर, तो उस बिंदु पर हमने निकाल दिया ना पहले ही, तो टेन थीटा बराबर इसकी वैल्यू कितना निकाले हैं, एक निकाले हैं, यहां से देख रहे हो, अगर ऐसे लिखें इसको तो किस बिंदु पर निकाले हैं, ए कॉमा टू ए पर, वही बिंदु तो है उसी तरह का, देख रहे हो, टेन थीटा बराबर एक, टेन थीटा बराबर कितना, टेन 45 अंश, तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 45 अंश, मतलब उसका x अक्ष से झुकाव कितना है 45 अंश है, नोट कर सकते हो। नोट कर जल्दी, इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण बता दिया जाए। चलो वेडिंग लिखो, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण तो इसमें हम लोग लिखेंगे, माना किसी वक्र y बराबर fx की बिंदु x1 कॉमा y1 पर, बिंदु x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो सर्वप्रथम दिए गए बिंदु पर वक्र की प्रवणता, m
बराबर डी वाई डी एक्स किस बिंदु पर एक्स वन वाई वन ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं ज्ञात करते हैं हो गया। अब x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण देखो एक्स वन वाई वन से जाने वाली निकालना है ना, तो सूत्र क्या पढ़े हो दस में, y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, यही सूत्र है। इसमें m की वैल्यू रखो, एक्स वन की वैल्यू रखो, y वन की वैल्यू रखो, काम हो गया। बड़ा वाला सूत्र रटने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बड़ा वाला सूत्र क्या बनेगा, y माइनस वाई वन बराबर m की जगह वही रख देंगे dy dx एक्स वन वाई वन पर, उसके बाद x माइनस एक्स वन, तो इसको रटने क्या मतलब है, जो दस में जानते हो वही पढ़ो, y माइनस वाई वन बराबर m ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, जो प्रवणता निकालोगे उसको m बराबर मान के चलना तुम, क्योंकि m बराबर ही तो सूत्र होता है, तो m का मान सीधे यहाँ पे रख देना, बिंदु तुमको सवाल में दिया गया होगा, नहीं दिया गया होगा तो तुमको मान लेना है। मानने के बाद कोई एक ऐसी शर्त दी जाएगी जिसे तुम इसमें रखने के बाद इस बिंदु का मान पा जाओगे, समझ गए, मानने के बाद तुम्हें एक शर्त दी जाएगी और शर्त जो दी जाएगी उस शर्त से तुम बिंदु का मान निकालने में समर्थ हो जाओगे, बिंदु का मान निकाल लोगे, तुम्हारा काम हो जाए, हो जाएगा ना। शुरू करते हैं, इसको नोट करो तब आगे बढ़े। अब नीचे कुछ इंडिकेट पॉइंट लिख लो, किसी रेखा AX प्लस BY प्लस C बराबर जीरो, AX प्लस BY प्लस C बराबर जीरो की प्रवणता यम बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, ये इंडिकेट पॉइंट सवाल लगाने में सहायता करेंगे। जैसे अभी सवाल आएगा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो एक दी गई रेखा के समांतर है, तो पहले दी गई रेखा है तो दी गई रेखा की प्रवणता हमें पता हो जानी चाहिए, समझ गए। तो रेखा दी जाएगी तो उसको सूत्र लगा लेना माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, लेकिन रेखा भी ध्यान से देख लेना, हम लिखे क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, माने तो सारे पद एक तरफ बराबर जीरो, ये ध्यान में रखते रहना, नहीं तो पता चला कि x वाला इधर है y वाला उधर है, उसके बाद लगा दिए सूत्र को, गलत हो गए, ठीक। x और y दोनों एक तरफ रहेंगे तभी चिन्ह सही होगा, नहीं तो चिन्ह बदल जाता है ना पक्षांतर करने पर, याद रखते रहना। चलो अब लिखो आगे, आगे लिखेंगे अगला इंडिकेट पॉइंट,
यदि वक्र की स्पर्श रेखा यदि वक्र की स्पर्श रेखा हो गया कोष्ठक में लिख देना, वक्र की स्पर्श रेखा कोष्ठक में लिख देना प्रवणता M1, वक्र की स्पर्श रेखा कोष्ठक में प्रवणता M1 हो गया। किसी दी गई रेखा कोष्ठक में लिख देना प्रवणता M2 हो गया ना। कि हो गया डैश दो और पहला नंबर काली पेन से लिखना, यदि समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी अर्थात M1 बराबर M2। तो अगर समांतर लगा लिया तो M1 बराबर M2 का प्रयोग कर लेना है और इससे दिए गए बिंदु का मान निकाल देना है, हो जाएगा ना। हो गया M1 बराबर M2 काली पेन से लिखना है इसको पूरा। दूसरा नंबर यदि लंबवत है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा -1 होगा। दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, समांतर है तो बराबर होगा और लंबवत है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा अर्थात M1 इंटू M2 बराबर -1, ये भी याद रखते रहना है। हो गया M1 इंटू M2 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीजें चलो देखो, बाकी चीजें तो इसमें कुछ ज्यादा दिख नहीं रही हैं। कुछ शर्तें स्पर्श रेखा की है उसको कल लिखवा देंगे और दो रेखाओं के बीच प्रतिच्छेद कोण बता देंगे। वैसे तुम लोग सवाल लगा के आ सकते हो, कहां तक लगा सकते हो, 17 नंबर तक तो सवाल लगा सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 17 लगा के आना, कल देखा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल इसमें बताएंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में फिक्स है आते हैं उनको नोट में बता दिया जाएगा, बाकी का काम तुमको करना है, ठीक। तो ऐसा करो कल परसों तक ये समाप्त हो जाए, फिर अभिलंब पढ़ लिया जाए। अभिलंब तुम्हारा इसके बाद उत्तिष्ठ निम्निष्ठ है, चैप्टर समाप्त है, तो जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करो। मान के चलो इस सप्ताह इसको खत्म कर दो, इसके बाद समाकलन शुरू कर सकते हैं हम लोग।